सत्रकाल मैं हर्षदीप कौर तुसी देख रहे हो पंजाब तक स्कूल ऑफ एमिनेंस की भगवंत सरकार वालों शुरुआत की गई है तो असी उस स्कूल च खड़े हाँ जिसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल भगवंत मान वालों किया गया है। इतने तुसी क्लासरूम्स देख सकते हो कि इन्हों वाल देख के तुहानू इंज लगेगा कोई प्राइवेट स्कूल ही है। तो आम आदमी पार्टी जो सरकार है वो सिक्ख्या क्रांति का दावा कर रही है। जो टीचर्स ने इतने स्टूडेंट्स उन्होंने ही गलबात करते हैं वो किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इतने पहला कुछ नहीं सी, ये स्कूल बिल्कुल नवे तौर पर बनाया गया है। तो थोनू ये सरकारी स्कूल बाकी सरकारी स्कूलों तो किमें अलग लगता है, क्योंकि सरकारी स्कूल की जो अं गल करते एक इमेज बनी होंगी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उत्थे नहीं है, किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है, पर असं लैब देख रहे हैं, स्विमिंग पूल देख रहे हैं, लाइब्रेरी देख रहे हैं, तुसी की कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती जी बाकी सरकारी स्कूलों नालों जिहड़े स्कूल ऑफ एमिनेंस ये बनया ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ने, तो इत्थे बहुत ही वधिया बच्चों भी फैसिलिटीज़ मिल रही ने, जो स्विमिंग पूल की मिल रही है, लाइब्रेरी की मिल रही है, अलग अलग कैमिस्ट्री लैब भी है, फिजिक्स लैब भी है, बायो लैब भी है। मैं खुद कैमिस्ट्री की टीचर हाँ, तो असं इन्हों इंटरैक्टिव पैनल के थ्रू असं इन्हों स्टडी करा रहे हैं, तो नाल एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करा रहे हैं, तो ये बच्चों के फिजिकल तो मैंटल डिवेलपमेंट दोनों ही हो रही है। बाकी स्कूल्स नालों इस स्कूल के बहुत ज़्यादा डिफरेंट, जो कि अज तक असी जिन्हां स्कूलों असी भी पढ़े हाँ जां असी पढ़ा के भी आए हैं असी देखते रहे हैं भी हुण तक इन्नी सिक्ख्या दे विच कोई भी क्रांति ब्लैकबोर्ड ही नहीं हुंदे सी, ते इत्थे असी प्रॉपर मोनीटर देख रहे हैं पूरा स्क्रीन लगा, पहला सिर्फ ब्लैकबोर्ड ते ही असी टीच करते सीगे, वह भी कई बार नहीं सी अवेलेबल हुंदे, पर हुण सानूं सारियां फैसिलिटीज़ मिलियां ने। गवर्नमेंट का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हां ने सानूं ये सारियां फैसिलिटीज़ दित्तियां ने, ते असी इंटरैक्टिव पैनल के थ्रू भी बच्चों नूं पढ़ा पा रहे हैं। तुहानूं भी किसे तरह कोई ट्रेनिंग दित्ती गई है? सानू साडे भी सैमीनार्स वगैरह लगते हैं, सानू पेस के थ्रू सानू भी ट्रेनिंग दी जाती है, स्टूडेंट्स नू भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जेई नीट की तैयारी कराने के लिए भी साडे सैमीनार्स लगे ने, तो अगे तो भी लगते रहने के, तो सानू डेली ही सानू वीडियोस वगैरह जां लिंक शेयर होंदे ने बच्चों के रैगूलर बेसिस से, पेस के जेई के जां नीट के उन्होंने टैसट लिंक्स आते हैं, बच्चों के टैसट भी होंगे ने। टीचर ही दस रहे हैं कि किन्ने अलग हो चुके ने जिहड़े सरकारी स्कूल ने जिसकी शुरुआत भगवंत सरकार वालों की गई है। सत श्री अकाल बेटा, थोड़ा नाम की है? मेरा नाम अंकिता। बिल्कुल अंकिता, ये किमें लग रहा है सरकारी स्कूल? पहला भी तुसी सरकारी स्कूल च पढ़ते सी, ते हुण ए वाला जो स्कूल ऑफ फेमिनेंस है किन्ना अलग है? बहुत ज़्यादा अलग है। आई एम फीलिंग प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्कूल। इवन कि साडे जिहड़े पेरेंट्स है उन्होंने भी बहुत खुशी है कि असी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल ऑफ फेमिनेंस पढ़ रहे हैं, तो इतने गवर्नमेंट ने सानू बहुत सारी फैसिलिटीज़ दित्तियां ने, बहुत सारी फैसिलिटीज़ सानू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिली ने, बस ट्रांसपोर्ट मिले है, तो होर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली। कोलों ही आते हो कि तुसी बस से आते हो? हाले असं दूरों आने हैं तो इस करके साड़ी बस लगी हुई है। अच्छा, बस लगी है, तो फ्री ओदा कोई खर्चा नहीं है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो तुहाडे फादर की करदे ने? मेरे फादर एक ऑफिस च काम कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल से फीस बहुत ज़्यादा होंगी है, तो इतने फीस भी थोड़ी बहुत घट है? हाँ जी, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो गवर्नमेंट ने सानू इन्नी वधिया यूनिफॉर्म प्रोवाइड की है ना, उहदे नाल सानू एक स्मार्ट लुक मिलती है, स्मार्ट लुक के नाल नाल ना सानू वड्डे वड्डे प्राइवेट स्कूल नालों इनफीरियर नहीं फील होने देंगे कि असं उन्हों तो छोटे हाँ, तो जिहड़े वड्डे वड्डे प्राइवेट स्कूल है ना वो गवर्नमेंट स्कूल नालों घट नहीं है, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा वधिया बन चुके, इतने का तुम इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो कि वधिया है, इतने की स्मार्ट क्लासेस कि वधिया है, साडे टीचर्स बहुत वैल एजुकेटिड है, तो वैल एक्सपीरियंसड भी है वो, तो सानू हर एक जगह पर हेल्प करते हैं, तो बस ट्रांसपोर्ट नाल ना साडे पेरेंट्स नूं बहुत ज़्यादा हैप्पी है, मतलब वो बहुत खुश है कि उन्होंने बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आन जान च। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुसी देखिया कि किन्ने स्मार्ट बच्चे भी ने, किन्ना कॉन्फिडेंस इन्हां दे चेहरे ते जो है वो साफ तौर पर देखने मिल रहा है। अंकिता वर्गे होर भी बहुत बच्चे ने, हेड गर्ल ने स्कूल के साडे नाल। सत श्री अकाल, तुहाडा नाम की? सत श्री अकाल, मेरा नाम लवेश है, मैं प्लस वन दी स्टूडेंट हां। अच्छा, प्लस वन की कर रहे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਾਇੰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਫਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿੰਕਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 10th ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਈਅਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੈਬਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਨੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜੋ ਮੈਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਪ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਬਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਫੈਮਿਨੈਂਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਫੈਮਿਨੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ 14 ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਫੈਮਿਨੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਫੈਮਿਨੈਂਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।